हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज के इस वीडियो में मैं तो आपके लिए दो कंपनियों से कंपनियों का नाम बताने की जरूरत है नहीं। काफी लोग बोले थे इनसे कोई हायरिंग नहीं आ रही, हायरिंग नहीं आ रही, तो आ चुकी है। ठीक है, इन दोनों कंपनियों में तीन पोजीशंस के लिए हायरिंग है और मास हायरिंग चल रही है और लास्ट डेट है 24 जुलाई, जो की कॉग्निजेंट के लिए है और कैपजेमिनी का मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और सभी वीडियो बोलते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड मिल जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, चाहे किसी भी कंपनी से, चाहे छोटी से छोटी अपडेट क्यों ना हो, अगर मैं वीडियो लेके आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मैं कोई भी ऑफ कैंपस हायरिंग भी लेके आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी आप देख ही सकते हो बहुत सारी मैं अपडेट लेके आता रहता हूं, और अगर कोई कंपनी से क्या बोलते हैं ऑफ कैंपस हायरिंग भी आती है तो वो भी मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ। ठीक है, तो ये बात रही हमारे एक चैनल की। और एक और चैनल है हमारा जो मैंने आई थिंक रिसेंटली क्रिएट किया है 2-3 वीक पहले, और इसमें आपको मोस्टली रिसेंटली चाहे पहले हमेशा इसमें जो वीडियोस हैं इन्फोसिस से रिलेटेड ही मैंने ट्राई किया है, क्योंकि मैं खुद इन्फोसिस में ज्वाइन हुआ था 9 जून को, तो वहाँ उससे रिलेटेड ही मोस्टली वीडियो है। तो वीडियो अगर कोई भी पसंद आती तो लाइक करना, चैनल पे अगर न्यू हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो सबसे पहली हायरिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोग्निजेंट की। ठीक है, तो कोग्निजेंट यहाँ पे देख सकते हो पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए है। ये लास्ट इसकी डेट है 24 जुलाई। ठीक है, तो इसमें देख पा रहे हो आप 4 ईयर और थर्ड ईयर मतलब कि बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, बीसीए वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका वो है पीडीएफ, तो वहां से आपको ज्यादा इजीली पता लग सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 ईयर ग्रेजुएट 50% उनका थ्रू आउट द अकेडमिक्स होना चाहिए, चाहे वो पीसी हो चाहे यूसी हो। ठीक, मतलब ये अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट 20 से लेकर 22 वाले। ठीक है, और ये जो प्रोफाइल है इनकी ITPT करके। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनसेशन देख सकते हो 2.5 LPA है। और सेकंड जो प्रोफाइल है इनकी ये है आपकी ITPAT। ठीक है, और इसकी जो सैलरी पैकेज है वो 4 LPA, इसमें भी सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा चेंज होता है वहां पर कुछ आपको, क्योंकि ये जो होने वाली है ना प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग की थी, और ये पैन इंडिया आपको कोई भी लोकेशन मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा सुपर सेट का, वो तो मैं आपका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा तो आप देख लेना। ठीक है, और सेकंड हायरिंग जो है वो कैपजेमिनी से है, तो यहाँ पर देख सकते हो बीबीटी के पर्टिकुलरली, और यहाँ पर ब्रांच भी मेंशन है, सीएससी वाले एलिजिबल हैं इसमें। देख सकते हो सीएस इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 65% आपका थ्रू आउट द अकेडमिक्स होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मेंशन किया गया है। और सैलरी पैकेज की अगर बात करें तो यहाँ पर डेजिग्नेशन की बात करें सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, लोकेशन बैंगलोर, वर्क फ्रॉम ऑफिस टाइप परमानेंट, और फर्स्ट 6 महीने आपका 14K होने वाला है। ठीक है, उसके बाद 4 LPA हो जाएगा 1 साल कंप्लीट करने के बाद, और 2 साल का आपका बॉन्ड होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों में से किसी में भी एलिजिबल होते हो तो अप्लाई करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर हम आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। ठीक है, तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।